नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, इस समय हम रोजाना जैसा कि हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, उसी तरह से आज भी हम कुछ नए प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो आधारित हैं क्लास 12 कि जो हमारी पॉलिटी की बुक है उससे, जो नई वैसे तो एनसीईआरटी की है और इस बार आरबीएससी में लग गई है, उसमें से जो हमारे पीछे के क्वेश्चन होते हैं बुक में, जो क्वेश्चंस होते हैं उनके विषय में अपने बात करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन थोड़े से आसान हैं क्योंकि 12वें स्तर के प्रश्न हैं दोस्तों, और वैसे आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है इसलिए आपको आसान ही लगने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ और इसी चैनल पर मिलते हैं। साथ ही आने वाले समय में भी आपको जिस प्रकार से हमने रीट का सिलेबस अच्छे से किया है, उसी प्रकार से आरएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का जो मैटर है वो भी करवाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा और नई नई चीज़ों को सीखते रहिएगा। शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया था। दोस्तों, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ करके करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना आसान होता है उतना ही गलत होने की संभावना भी रहती है। 1 मई 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर बताइएगा दोस्तों फटाफट से। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है इनमें से वो है नंबर 3। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा बहुत यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कई बार जल्दीबाजी के अंदर ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं आपको बताने हैं, 150 है, 395 है, 360 है या फिर 412 है। दोस्तों, कितने अनुच्छेद हैं आपको बताना है फटाफट से कमेंट करके। एक बहुत आसान से प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा लेवल भी तो देखिएगा ना, 12वीं की किताब से है तो बहुत ज़्यादा हार्ड यहाँ बनते भी नहीं हैं। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो सही आंसर है हमारा नंबर 2। जब भी आपसे पूछा जाए अनुच्छेद का मतलब, तो हम अपने मूल संविधान से ही मानते हैं, और वैसे भी जो आर्टिकल हैं वो उसके सब आर्टिकल होते हैं, जुड़े हुए आर्टिकल होते हैं, जैसे 330 ए बी इस प्रकार से देखिए जुड़े जाते हैं। मूल रूप से तो कितने हैं, 395 ही हैं, 396वां कोई आर्टिकल हमारे यहाँ पर अभी तक नहीं है। दोस्तों, तीसरे प्रश्न को देखिएगा, तीसरा हमारा प्रश्न है, नीति निदेशक जो तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं, कौन से नीति निदेशक तत्वों को हमने लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा हमारा प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ये आपको बताना है। राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, फटाफट से बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। ऑप्शन हमारे पास में 352, 356, 362 और 366। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। आगे बढ़े पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणराज्य, समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता को, लोकतंत्र को या फिर बंधुत्व को, कौन सा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो दोस्तों, सही आंसर बताइएगा फटाफट से कमेंट करें, फिर अपने इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी या फिर संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक, क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ सही आंसर है वो है नंबर 4, संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक। यानी हम भारत के लोग से मतलब क्या है, हम भारत के लोग ही हैं, भारत के नागरिक हैं जिन्होंने संविधान को स्वीकृत किया है, अंगीकृत किया है। दोस्तों 7वां हमारा प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय है जो उसका स्वरूप क्या है? दोस्तों इसमें से सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है या फिर उपयुक्त सभी है? कमेंट कीजिएगा फटाफट से, फिर हम अपने आंसर को चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर बिल्कुल उपयुक्त सभी है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीनों न्याय की बात करता है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 में? आपको बताना है मूल अधिकार जो है वो भारत के किस भाग में जोड़े गए हैं, दोस्तों किस भाग में शामिल हैं, भाग 1, 2, 3 या फिर 4? फटाफट से बताइएगा दोस्तों, सारा हमने पढ़ाया हुआ है और आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ये 1 नहीं है दोस्तों, भाग 3। कौन से भाग में है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है दोस्तों, भाग 3 के अंदर जो है मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 9वां हमारा प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या फिर 48 घंटे? दोस्तों कितने घंटे के अंदर जो है, कितने समय के अंदर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसे निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा? क्या होगा हमारा सही आंसर दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों अगले प्रश्न को देखिए, 10वां हमारा प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों बहुत अच्छा हमारा प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व यूएसए से लिए गए हैं, इंग्लैंड से, आयरलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों कहाँ से हमने जो है नीति निदेशक तत्वों को लिया है, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ इतना तो आता ही होगा, अगर कमेंट कर दिया गया है तो फटाफट से कमेंट आने चाहिए ना, कितने आसान प्रश्न हैं। तो सही आंसर भी चेक कर लीजिएगा, आयरलैंड, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा। 11वां हमारा प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे के अंदर किया गया है? नीति निदेशक तत्व जो है उनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, सॉरी किस भाग में किया गया है, ये आपको कमेंट करके फटाफट से बताना है दोस्तों, फटाफट से बताइएगा ताकि हम देख सकें आपने क्या सीखा है और क्या याद किया है। दोस्तों क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, भाग 4 से लिया गया है। दोस्तों तो ये भी आपको याद होगा कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 36 से 51 तक जो है हमारे वो नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अंदर किया गया है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है, पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका उपार्जन करने का अधिकार है, यह निम्न में से किस प्रकार का नीति निदेशक तत्व है, कौन सी श्रेणी में आएगा? दोस्तों सामाजिक हित व शिक्षा संबंधी है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी है, न्याय संबंधी है या फिर उनमें से कोई नहीं? दोस्तों क्या कहा गया प्रश्न को पढ़िएगा, पुरुष हो चाहे स्त्री हो सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका उपार्जन करने का अधिकार है, यह किस प्रकार का नीति निदेशक तत्व है? क्या है सही आंसर दोस्तों हमारा, कमेंट कर दिया होगा अभी तक आपने, नहीं किया है तो बताइएगा, सामाजिक हित है, आर्थिक सुरक्षा है, न्याय संबंधी है, कोई नहीं? दोस्तों तो दोस्तों यहां हमारा सही आंसर है वो है आर्थिक सुरक्षा संबंधी ये अधिकार है। दोस्तों
किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के साथ जोड़ा गया था? दोस्तों आपको बताना है वो संविधान संशोधन का नाम जिसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, 44वां है, 42वां, 41वां है या फिर 45वां है, क्या होगा हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके आपको बताना है। मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है तो सही आंसर होगा हमारा नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? दोस्तों बड़ा आसान सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कितने मूल अधिकार हैं दोस्तों? 5, 6, 7, 8 सही आंसर, नंबर 2 6 हैं, पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया तो अभी कितने हो गए? 6 हो गए। अभी संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश देता है तो इसे क्या कहते हैं, परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेषण या फिर अधिकार पृच्छा? जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश देता है तो इसे हम कहते हैं, सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 1, परमादेश के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संघ सूची के जो विषय हैं उन पर कानून कौन बना सकता है? दोस्तों राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत या फिर उच्च न्यायालय? देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीन होती हैं, जिसमें से संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो सही आंसर दोस्तों हमारा नंबर 2 है, केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर समवर्ती पर दोनों को बनाने का अधिकार होता है। संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था करता है? दोस्तों 4 अनुच्छेद हैं, 263, 310, 356 और 74, इनमें से कौन सा उपबंध जो है वो आपातकाल की व्यवस्था करता है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 है, 356, आर्टिकल 356 जो है वो आपातकाल की व्यवस्था करता है। 18वां हमारा प्रश्न, हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है? दोस्तों कानून को लागू करना, कानून बनाना, कानून तोड़ने वालों को दंडित करना, पंचायतों के चुनाव कराना। दोस्तों हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है, यानी हमारी संसद का कार्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2 है, कानून बनाना, संसद कानून बनाती है। देखिएगा दोस्तों व्यवस्थापिका क्या करती है, कानून बनाती है, और कार्यपालिका का कार्य होता है, एग्जीक्यूटिव होती है ये, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको लागू करवाना, तो कानूनों को लागू करवाना कार्यपालिका का काम होता है। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत? धन विधेयक जो है वो सर्वप्रथम किस सदन में लाया जाएगा, बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 है, जनता का पैसा है तो जनता के सदन में ही लाया जाएगा, इसलिए हम इसको लोकसभा में ही लेकर के आते हैं। तो धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाता है। ये एक प्रकार से लोकसभा का विशेषाधिकार भी आप मान सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, 25 है, 15 है, 250 है या फिर 10 है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा दोस्तों, आंसर को चेक करिएगा, प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। तो दोस्तों सही आंसर चेक करें वो होगा नंबर 4, राज्यसभा में कितने जाते हैं, हम किसका पूछ रहे हैं, राज्यसभा का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, सच में सीखा है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इन फ्यूचर भी आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच।